ना जीत समझता हूँ ना हार समझता हूँ, बड़ा जिद्दी हूँ मैं, बस प्यार समझता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हीरेंद्र झा है, सपनों के शहर मुंबई में रहता हूँ। पेशे से एक राइटर हूँ, कहानी, नाटक, सिनेमा, टीवी, रेडियो, अखबार, जहाँ कहीं भी मौका मिलता है लिखता हूँ। आज कुछ कविताएं लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। काव्य तरंग के इस प्रेम विशेषांक ओपन माइक श्रृंखला के सभी सुनने वालों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जहां आज बातें होंगी प्रेम की, इश्क की, मोहब्बत की। दोस्तों, प्रेम क्या है? किताबों से लेकर फिल्मों तक इसे हजार तरीकों से परिभाषित किया गया है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि प्रेम आपकी नितांत निजी संपत्ति और पूंजी है। आपके प्रेम का अनुभव सिर्फ आपका है। हर प्रेमी हृदय को अपना प्यार सबसे अलग और सबसे खास लगता है ना? दोस्तों, मैं जिस पीढ़ी का हूं, वहां प्रेम में गिफ्ट लेने और देने का बड़ा चलन है। हालांकि पुराने लोग कहते रहे हैं कि प्रेम में लेन और देन कैसा, उनकी बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आपका महबूब प्यार से आपको कुछ दे तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं? महबूब की दी हुई छोटी छोटी चीजें भी बहुत स्पेशल हो जाती हैं। मैंने इसी भाव को एक कविता में सहेजने की कोशिश की है, आइए सुनते हैं। कांधे पे वो ही कमीज है, हाथों में वो ही घड़ी, चाबी में है वो ही गुड़िया जो तुमने दी है। कांधे पे वो ही कमीज है, हाथों में वो ही घड़ी, चाबी में है वो ही गुड़िया जो तुमने दी है। मन में छुपी वो ही बातें, दिल में बसी वो ही यादें, आँखों में है वो ही दुनिया जो तुमने दी है। गाता हूँ वो ही तराना, जीने का वो ही बहाना, दामन में है वो ही खुशियाँ जो तुमने दी है। और दोस्तों, ये जो लेन देन होता है ना मोहब्बत में, ये सिर्फ चीजों या सामानों का नहीं होता, ये वो जो एहसास, वो जो भाव जो आप अपने महबूब को देते हैं ना, वो यादें, वो ख्वाब, तो वो सब, और वो सब मैंने कोशिश की थी इस कविता के जरिए आप तक पहुंचे। और दोस्तों, हर दौर में और हर उम्र में प्रेम पर बहुत कुछ लिखा गया है। जब आप प्रेम में होते हैं तो एक तरह से आप महबूब के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, एकदम से सरेंडर, और आप अपने मन की बात उस तक पहुंचाना भी चाहते हैं, उसे एक स्वीकृति भी चाहते हैं, आप उसे यह बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं भाता। आइए एक कविता इसी भाव पर सुनते हैं। बात वही बात है, बात जो तू कहे, रात वही रात है, साथ जो तू रहे, आस है सांस भी है, मन में विश्वास भी है, जहन मेरा भूखा है, दिल को लगी प्यास भी है, हे प्रिय तुम ही कहो कैसे ये प्यास बुझे। बात वही बात है, बात जो तू कहे, रात वही रात है, साथ जो तू रहे,
रास्ते और भी हैं, मंजिलें और भी हैं, जिंदगानी के सफर में मुश्किलें और भी हैं। इन मुश्किलों को सुनो, हंस हंस हम सहे, बात वही बात है, बात जो तू कहे, रात वही रात है, साथ जो तू रहे। दोस्तों, प्रेम करो और उसे जाहिर ना करो तो भी प्रेम अधूरा ही माना जाता है। साल 2019 में मेरी एक किताब आई थी कविताओं की, एक ख्वाब, जो अमेजन पे उपलब्ध भी है। तो मेरा मन है कि आपको अपनी किताब एक ख्वाब से भी एक छोटी सी कविता सुनाऊं। सुनेंगे ना? आइए सुनते हैं। रात ख्वाब में बेपर्दा देखा तुम्हें, वो बेहोश करती तुम और वो होश खोता मैं। बहुत दूर निकल आया हूं चलते चलते, वो मुझसे दूर जाती तुम और तुमसे दूर होता मैं। उम्मीदों का समंदर भी कितना खारा है, रही थोड़ी खारी तुम और थोड़ा खारा मैं। अजब खेल रहा ये इश्क अपना भी, हां मुझसे हारी तुम और तुमसे हारा मैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कविताएं पसंद आई होंगी। प्रेम करते रहिए, सबके जीवन में प्रेम भरते रहिए। याद रखिए, लव है तो सब है। फिलहाल दीजिए अपने मित्र हीरेंद्र झा को इजाजत। काव्य तरंग के किसी और विशेषांक में फिर आऊंगा अपनी कुछ कविताएं लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया।